Good morning, my dear student. Today we will continue our class 11th history, chapter 6, the three order. My dear student, in this chapter study we had studied that the categorization of society. We also discussed about that the post Roman empire divided into three parts, that was clergy, nobility and peasantry. And one more information, I told you that the official religion of Rome during 4th century AD, that was Christianity. So on the basis of the religious thought of the Christianity, society categorized three parts, not by men, it was categorized by God. If you have remembered my previous class, where I had already discussed with you that ki same categorization in India also you can find in history. आप देख सकते हैं इतिहास में उन चीजों को आप प्राप्त कर सकते हैं. कल हमने एक चीज और बात की थी, हमने कहा था एटलीस्ट शार्लमैन के शासनकाल में, शार्लमैन जो फ्रांस का शासक था 742 to 814. कह रहा है शार्लमैन के समय में ही क्या शुरू हुआ, फ्यूडलिज्म की व्यवस्था, सोसाइटी के कैटेगराइजेशन. टाइम क्या था, कहता है टाइम पीरियड एटलीस्ट ये हम कह सकते हैं कि शार्लमैन के समय से ये फ्यूडलिज्म शुरू हुआ होगा, फ्यूडलिज्म सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम. बट इट वॉज फाइनली व्हाट एस्टेब्लिश इन प्रॉपर फॉर्म ड्यूरिंग 11th सेंचुरी, मिड 11th सेंचुरी. यहां पे मिड 11th सेंचुरी में ये क्या हुआ, डेट फिक्स हो गई होगी और यहां से ये फ्यूडल सिस्टम कंटिन्यू किया होगा. फ्यूडल सिस्टम एज यू नो दैट इट वॉज बेस्ड ऑन सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बॉन्डिंग. इट वॉज बेस्ड ऑन सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिलेशन. आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग माय डियर स्टूडेंट. दैट सिस्टम बेस्ड ऑन द सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिलेशन. एंड डियर स्टूडेंट हियर टू मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट द लॉर्ड एंड मैनर सॉरी पीजेंट्स लॉर्ड एंड पीजेंट्स दिस इज रिलेशन बिटवीन द लॉर्ड एंड पीजेंट्स. दोनों के बीच के संबंधों को यह व्यवस्था दिखाती है. और कल हमने इन चीजों पर विस्तार से बातें की, हमने मार्क ब्लाख की बात की. कल हमने कहा था कि मार्क ब्लाख वाज द हिस्टोरियन हु फर्स्ट टाइम पॉइंट आउट that history, it has never been that the written script of the opportunity of the king. In history we have also considered about the situation which suffered by the common people. एक सामान्य आदमी जो आम जनता थी उसकी भी problems को इतिहास में लिखा जाना चाहिए, इस बात को forcefully ये बात है. तो एक चीज क्लियर थी, एक बात क्लियर था कि मार्क ब्लाख ने यह बात ओपन कर दी थी कि ये चीजें होंगी. और फिर उसने तमाम सारे एविडेंसेस के आधार पर, डायरी, आर्टिकल्स, चर्च के जो रिटेन एविडेंस है उनके आधार पे, जैसे शादी सेलिब्रेशन, फंडल सिस्टम से कितनी पॉपुलेशन है, किस क्षेत्र में
और वो पॉपुलेशन कैसे अपने मैनर से कनेक्टेड है, इन चीजों के बारे में बात करें। माय डियर स्टूडेंट, ऑन द बेसिस ऑफ द चर्च डॉक्यूमेंट्स द हिस्टोरियन क्लियरली एग्जामिन दैट द पॉपुलेशन ऑफ पर्टिकुलर एरिया ड्यूरिंग दैट टाइम कितना था, ये बात तय थी। स्टडी वन मोर थिंग आई ऑल्सो डिस्क्राइब व्हाट द लैंड, लैंड किसके पास थी, लैंड ओनर, लैंड ओनर्स, पुअर लैंड ओनर्स। तो कल मैंने, अगर आपको याद होगा तो मैंने चार्ट बनाया था और मैंने कहा था कि दो लोगों के पास लैंड थी, एक था क्लेर्जी क्लास, या इसको क्लेर्जी की जगह आप इसको चर्च लिखिए तो ज्यादा बेटर है। किसके पास थी, चर्च, और दूसरा जो महत्वपूर्ण था वो था नोबेल्स। इसको आप लॉर्ड भी लिख सकते हैं, लॉर्ड। तो नोबेल और लॉर्ड देवर लैंड होल्डर्स, बट द वास्ट ग्रुप दैट वाज पीजेंट्री दे हैव नो लैंड, उनके पास जमीनें नहीं थी, उनके पास अपनी कोई जमीन नहीं थी और वो इनके ऊपर रहने के लिए विवश थे। तो यहां तक चीजें हम लोगों ने कल समराइज किया था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्रांस एंड इंग्लैंड। व्हाई आई एम गोइंग टू डिस्कस टू फ्रांस एंड इंग्लैंड, बिकॉज इफ यू हैव रिमेंबर दैट सिस्टम स्टार्टेड वेयर, फ्रांस, इंग्लैंड एंड इटली, यहां पे इसका विकास हुआ, इस व्यवस्था को डेवलप हुई। अब हम बात करेंगे उन चीजों पे जो महत्वपूर्ण है फ्रांस और इंग्लैंड में, क्या बदलाव हो रहा था, उन चीजों को हम देखेंगे। चलिए इनकी बात करते हैं। फ्रांस, दैट वाज द लैंड ऑफ रिवोल्यूशन, एक ऐसा जमीन, एक ऐसी भूमि जहां पे क्रांति हमेशा हुई है, रिवोल्यूशन हुए हैं। और ये रिवोल्यूशन किस क्षेत्र में, रिवोल्यूशन वी आर गोइंग टू डिस्कस द फ्रांस एंड इंग्लैंड। दो ईयर टू कंट्रीज, हम दो चीजों में कंट्री, आप बुक में आइए, बुक में कहता है द गाल, गाल द प्रोविंसेस ऑफ द रोमन एम्पायर हैड टू एक्सटेंसिव द कोस्ट लाइन्स, माउंटेन रेंज, लॉन्ग रिवर, फॉरेस्ट एंड लार्ज ट्रैक्ट ऑफ प्लेन्स सुटेड टू एग्रीकल्चर। यहां पे ज्योग्राफिकल कंडीशन फ्रांस और इंग्लैंड की आता आपको बताना है। आता वांट टू इन्फॉर्म अबाउट दैट द ज्योग्राफिकल कंडीशन ऑफ वेयर दैट एरिया, गाल जो रोमन साम्राज्य का एक प्रांत था, में दो विस्तृत तट रेखाएं थी, कोस्टल लाइंस थी, पर्वत रेखाएं, पर्वत श्रेणियां और नदियां, वन, फार्मिंग लैंड, और उनके लिए फार्मिंग प्लेन भी अवेलेबल थी। आई मीन टू से दैट गाल दैट वॉज द पार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर, इट वॉज प्रॉस्परस इन ज्योग्राफिकल कंडीशंस, दे हैव वास्ट माउंटेन रेंज, दे हैव रिवर्स, दे हैव फॉरेस्ट एंड फार्मिंग लैंड ऑल्सो अवेलेबल इन दैट एरिया, उस जमीन में ये चीजें अवेलेबल थी। कहता है द फ्रैंक जर्मनिक ट्राइब्स, फ्रैंक हियर विद इंपॉर्टेंट थिंग्स, फ्रैंक एफ आर एन सी, फ्रैंक, फ्रैंक्स क्या थे, ये जर्मन ट्राइब्स, जर्मन ट्राइब, फ्रैंक क्या है, फ्रैंक जर्मन ट्राइब थे, फ्रैंक जर्मनिक ट्राइब्स गेव देयर नेम टू गॉल, मेकिंग इट फ्रांस फ्रॉम द सिक्स सेंचुरी, ट्राइब मेकिंग गॉल एंड दिस गॉल चेंज एज ए न्यू कंट्री दैट कॉल्ड फ्रांस। एक फ्रेंच जर्मन की ट्राइबल पीपुल्स थे,
उन लोगों ने अपने लिए एक नए देश की संकल्पना की। वो गाल प्रदेश में गए, उन्होंने इसका नाम रखा फ्रांस, और यही जो क्षेत्र था वो फ्रांस था। सिक्स सेंचुरी तक आते आते, छठी सदी तक आते आते, कहता है फ्रॉम द सिक्स सेंचुरी दिस रीजन वॉज अ किंगडम रूल्ड बाई द फ्रेंकिस फ्रेंच किंग हु वर क्रिश्चियन। सिक्स सेंचुरी ड्यूरिंग वेर फ्रेंड्स दे मेड फ्रांस एंड फ्रांस कंट्रोल्ड बाई किंग हु फॉलोड द क्रिश्चियन किंग। एक राजा जो फ्रांस शासक बना, उसकी ऑफिशियल जो रिलीजन हुआ वो क्रिश्चियनिटी बना। द फ्रेंच हैड वेरी स्ट्रांग लिंक विद द चर्च विच वर फर्दर स्ट्रेथेंड व्हेन इन 800 द पोप गेव द किंग चार्लमैन द टाइटल ऑफ द होली रोमन एम्परर टू इंश्योर हिज सपोर्ट। होली रोमन एम्परर चार्लमैन वॉज कॉल्ड द होली रोमन एम्परर। उसने क्या किया, उसने इस व्यवस्था को सपोर्ट की। अक्रॉस ए नैरो चैनल्स ले द आईलैंड ऑफ इंग्लैंड स्कॉटलैंड विच इन द 11th सेंचुरी वॉज कंकर्ड बाई ए ड्यूक फ्रॉम द फ्रेंच प्रोविंसेस ऑफ नॉर्मैंडी। कहता है कि जो चार्लमैन के द्वारा शासित प्रदेश था, ये जो राजा थे, ये लोग किसी फ्रांस के जो शासक था वो चार्लमैन से समर्थित था। कहता है कि 6th सेंचुरी में फ्रेंकिस अथवा फ्रांस के जो ईसाई राजाओं द्वारा शासित ये राज्य जो फ्रांस था वो बना, और फ्रांसिसियों के चर्च के साथ इसके संबंध बड़े प्रगाढ़ हो गए। पोप द्वारा राजा को, राजा चार्लमैन को होली एम्परर ऑफ रोम की टाइटल दी गई। रोमन का पवित्र होली एम्परर ऑफ रोम, रोम का पवित्र सम्राट की उपाधि इसको दी गई। तो एक चीज था, इससे रोमन सम्राट और चर्च के बीच के संबंध बड़े मजबूत हो गए। एक जो नैरो स्टेट के माध्यम से इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के द्वीपों को 11th सेंचुरी में फ्रांस एक साथ नॉर्मैंडी की राजकुमार द्वारा जीत लिया गया। अब यहां से पूरा गेम बदला, क्योंकि अब फ्रांस का जो क्षेत्र था वो नॉर्मैंडी के किंग द्वारा जीत लिया गया। अब यहीं से आपको, अब यहां से हम एक्चुअली आपके बुक में मेन आएंगे और हम देखेंगे थ्री ऑर्डर के बारे में। थ्री ऑर्डर के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी बातें की। सो विदाउट एनी लेट वी हैव टू कम ऑन द पॉइंट, आना चाहिए, वी शुड डिस्कस द लीगल पॉइंट द थ्री ऑर्डर्स। द फ्रेंच प्रिस्ट बिलीव इन द कंसेप्ट दैट द पीपुल वर मेंबर ऑफ वन ऑफ थ्री ऑर्डर्स डिपेंडिंग ऑन देयर वर्क। अ बिशप स्टेटेड हियर बिलो सम प्रे अदर फाइट्स स्टिल अदर वर्क। दस थ्री ऑर्डर ऑफ सोसाइटी वर ब्रॉडली द क्लर्जी नोबिलिटी एंड पीजेंट्री। माय डियर स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू प्रिस्ट द सोसाइटी, आई मीन टू से दैट द पीपुल हु लिव इन सोसाइटी, देयर वर्क, देयर मेन ऑक्यूपेशन दैट वन ग्रुप आर द अ ग्रुप ऑफ द पीपुल हु ऑलवेज इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन फाइटिंग एंड वार। सेकेंड ग्रुप हु इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन द रिलीजियस वर्क, इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन चर्च, एंड सेकेंड हु ऑलवेज डूइंग देयर वर्क ऑन द फार्मिंग लैंड। ऑन द बेसिस ऑफ दैट सोसाइटी कैटेगराइज इन थ्री पार्ट्स, क्लर्जी नोबिलिटी एंड जेंट्री। इट वॉज नॉट कैटेगराइज बाई मैन, इट वॉज बेस्ड ऑन देयर ऑक्यूपेशन। फ्रांसीसी जो पादरी हैं वो इसका इस अवधारणा में विश्वास करते थे कि प्रत्येक व्यक्ति कार्य के आधार पर कुछ वर्गों में बटे हैं, कार्य के आधार पर, अपने वर्ग के आधार पर कुछ छोटे छोटे समूह में बटे हुए हैं, और ये समूह क्या कर रही है, ये जो ग्रुप है इसी ग्रुप के आधार पर क्लर्जी नोबिलिटी और पीजेंट्री बना।
यहां वर्ग क्रम में कुछ प्रार्थना करते हैं, कुछ लड़ाई लड़ते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं, और जो तीसरा वर्ग है वो और नए सारे कार्य करता है। इस तरह मुख्य रूप से समाज में तीन वर्ग है, नोबेल, पीजेंट्स एंड क्लर्जी। अब हम यहां पे स्टार्ट करेंगे किसको, सेकंड को। आई मीन टू से दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, ओके विल सी विल डिस्कस द वी कैन रीड द फर्स्ट ऑर्डर आल्सो, बट इन योर बुक गिवन फर्स्ट द सेकंड ऑर्डर। सो फर्स्ट वी डिस्कस द सेकंड ऑर्डर, ओके। द वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट द सेकंड ऑर्डर। वी विल डिस्कस थ्री ऑर्डर्स वन बाय वन, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर। बट हियर अकॉर्डिंग टू योर बुक वी विल स्टार्ट द टॉपिक फर्स्ट सेकंड ऑर्डर। द सेकंड ऑर्डर दैट वॉज नोबिलिटी। समाज का द्वितीय वर्ग कौन था, नोबिलिटी थी। इफ यू सी योर बुक वेयर क्लियरली एक्सप्लेन अबाउट द थर्ड ऑर्डर, प्रीस्ट प्लेस देमसेल्फ इन द फर्स्ट ऑर्डर एंड नोबल्स इन द सेकेंड। द नोबिलिटी हैड इन रियलिटी अ सेंट्रल रोल इन सोशल प्रोसेस, दिस इज बिकॉज द कंट्रोल लैंड, दिस कंट्रोल वॉज द आउटकम ऑफ प्रैक्टिस कॉल्ड वैसलेज। हियर टू और थ्री वर्ड, वॉट लैंड कंट्रोल, फर्स्ट वर्ड लैंड कंट्रोल, सेकेंड वर्ड द की वर्ड द वैसेज, द वैसेज इट मीन्स कि कहता है कि पादरी जो थे पृष्ठ वर्ग था, उसने अपने को फर्स्ट ऑर्डर में रखा और सेकेंड ऑर्डर में नोबेल्स को रखा। इवन बोथ है लैंड, बोथ वर लैंड होल्डर्स। लैंड दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, वन हु कंट्रोल ऑन लैंड हु चेंज देयर कंडीशन हु बिकेम व्हाट नोबेल्स, वो नोबेल बन जाता था ग्रेजुअली। आर देयर टू वे, एक ग्रेजुअली धीरे धीरे और एक राजा के द्वारा देने के तुरंत बाद वो इस सिस्टम में आ जाता था। कहता है कि वास्तव में जो सामाजिक प्रक्रिया में जो नोबल्स थे, लिट क्लास थे, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उनकी महत्वपूर्ण भूमिका क्यों थी, क्योंकि उनका जमीन पे नियंत्रण था, उनका खेती के जमीन पे उनका नियंत्रण था, कंट्रोलिंग थी भूमि पे। उनके नियंत्रण के कारण ये जो सिस्टम थी वैसलेज नामक एक प्रथा के विकास का कारण बनी। इट वॉज आई मीन टू से दैट बोथ कनेक्टेड किससे, नोबल्स और लॉर्ड भी आप उसको कह सकते हैं, लॉर्ड्स, लॉर्ड्स भी कनेक्टेड थे। आप समझ गए होंगे ये व्यवस्था जिसमें जमीन पे नियंत्रण के कारण वैसलेज व्यवस्था का सूत्रपात हुआ और लॉर्ड या मैनर इसके पार्ट में महत्वपूर्ण भूमिका करता है। यही बात आपको समझाने का प्रयास कर रहा है। यस, कम टू द पॉइंट एंड डिस्कस दैट द किंग ऑफ फ्रांस वर लिंक टू द पीपुल बाय वैसलेज, सिमिलर टू द प्रैक्टिस अमंग द जर्मन पीपुल्स ऑफ हूम द फ्रेंच वर वन द बिग लैंड ओनर्स, द नोबल्स वर वैसल्स ऑफ द किंग एंड द पीजेंट्स वर वैसल्स ऑन द लैंड ओनर्स। अ नोबलमैन एक्सेप्टेड द किंग एज हिज सीनियर सीनियर एंड दे मेड ए म्यूचुअल प्रॉमिस, द सीनियर लॉर्ड वॉज ड्राइव फ्रॉम द वर्ल्ड मीनिंग वन हु प्रोवाइडेड ब्रेड, लॉर्ड प्रोटेक्ट द वैसल्स हु वुड बी लॉयल टू हिम, द रिलेशनशिप इवॉल्व्ड, द एलोबरेट rituals and exchange the vote taken on the Bible in the church. At this ceremony, the vessels
received a written charter or staff or even a cloud of earth as a symbol of the land that was being given to him by his master. Dear student, it is the very clear that system. Author want to introduce about the vassalage system. Ye vassalage system kya tha? कहता है ये वैसले नमक जो प्रथा थी सिस्टम थी ये फ्रांस के शासकों का लोगों से जुड़ाव कुछ सो करती थी। फ्रांस का जो किंग था उसकी जो इंटरेक्शंस थी लोगों के प्रति वो ये सिस्टम ही दिखाती थी, वैसले सिस्टम दिखाती थी। हियर वन आर टू मोर थिंग्स व्हिच इज इंपॉर्टेंट व्हिच आई वांट टू डिस्कस विद यू दैट फर्स्ट द वैसले सिस्टम वॉज द मीडियम टू कनेक्ट आई मीन टू से दैट King connect this that system with their loyal peoples. Vassalage system that was introduced why? To increase the number of the people who become loyal to their kings. That was a system in which a world ceremony organized by the king in their court, priest also present there. And in the ceremony, king given what? The symbolic things, I mean to say that sometime वो लकड़ी का कोई डंड देता या मिट्टी का कुछ उठा के पात्र देता या कुछ ऐसी चीजें जो ये शो करे कि राजा उसको दे रहा है और जो लॉर्ड है उसको राजा के प्रति अपनी लॉयल्टी प्रूफ करनी पड़ती थी। राजा को ये दिखाने पड़ता था उसको कि वो ये काम क्या कर रहा है विदाउट एनी हेजिटेशन ही एक्सेप्टेड दैट एंड ही बिकम लॉयल फॉरएवर। ये चीजें उसको करनी पड़ती थी। कहने का सेंस सिर्फ नहीं है कि फ्रांस के शासक का लोगों से जुड़ाव एक प्रथा के कारण थी जिसे वैसलेज कहते थे और ये प्रथा जर्मन के मूल लोगों जिनमें से फ्रैंक लोग भी एक थे में समान रूप से विद्यमान थी। बड़े जो भूस्वामी थे लैंड ओनर्स थे एलिट क्लास था वो राजा के अधीन होते थे। द नोबल्स दे वर कंट्रोल्ड बाय किंग दैट सिस्टम वैसले सिस्टम। कहता है कि अब जो ये व्यवस्था थी इस व्यवस्था में जो एलिट क्लास वर्ग राजा को अपना स्वामी सेनियोर सेनियोर का शाब्दिक अर्थ है सीनियर सेनियोर इट मीन्स सीनियर इट मीन्स दोनों अगर जोड़िए तो एक और आपको मिलेगा क्या कौन सा वर्ड एक ऐसा व्यक्ति जो क्या दे रहा है जो ब्रेड दे रहा है रोटी देने वाला है। सीनियर का मर्च हुआ अर्थ हुआ कि सीनियर जिसका शाब्दिक करता अंग्रेजी के सीनियर से ये इलिट क्लास में राजा को अपना स्वामी सीनियर मानते थे। सीनियर का अर्थ होता था रोटी देने वाला वैसल मतलब दास वैसल्स की रक्षा करता था और उसके बदले में बहुत से उस प्रांत का निष्ठावान रहता था। इन संबंधों में व्यापक रीति रिवाज और शपथ का विनिमय शामिल रहता था जिसमें दास जो वैसल्स थे को इस भूमि के प्रतीक के रूप में जो कि उसके मालिक द्वारा एक लिखित अधिकार पत्र या एक छड़ी या स्टाफ या केवल एक मिट्टी का डला दिया जाता था और ये व्यवस्था कंप्लीट मान ली जाती थी। इसमें जो मैंने आपको बताया सीनियर इट मीन्स सीनियर इट मीन्स इन इन दैट सिस्टम किंग्स आई मीन टू से राजाओं या राजा के लिए किंग द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द सेंटर दे प्रोवाइडेड द पीस ऑफ लैंड ऑफ देयर वेसल्स वेसल्स मीनिंग स्लेव्स इवन दे कॉल नोबल और लॉर्ड लैंड लॉर्ड बट दे वॉट दे स्लेव्स ऑफ देयर किंग अपने राजा के दास होते थे और एक तरीके से क्या थे इनकी लॉयल्टी राजा के प्रति जितनी होगी उन्हें उतना ही क्या होगा फायदा मिलेगा फ्यूचर में। यही बात कहता है। फिर कहता है कि द नोबल एंजॉयड अ प्रिविलेज्ड स्टेटस ही हैड एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर द
प्रॉपर्टी इन द प्रिपेचुअटरी दे कुड रेज ट्रूप्स कॉल्ड फ्यूडल लेविस द लॉर्ड हेल्ड हिज ओन कोर्ट और जस्टिस एंड कुड इवन क्वाइन हिज ओन मनी. हाउ स्ट्रेंज इट इज अ वेरी स्ट्रेंज मैटर. वंस इफ लॉर्ड द किंग किंग गिव देम द पीस ऑफ लैंड टू देयर लॉर्ड लॉर्ड यूजेस द कंप्लीट ऑटोनॉमी इन देयर एरिया. इट मीन सपोज द लैंड लैंड इसको क्या बोलते थे हम वी विल डिस्कस आल्सो मेनोरियल स्टेट. मेनोरियल स्टेट इन दैट एरिया कंट्रोल बाई लॉर्ड कंट्रोल बाई किंग बाय विच सिस्टम वैसे सिस्टम वैसेंस एक व्यवस्था जो थी कौन सी सिस्टम थी ये वैसे सिस्टम से ये राजा से जुड़े होते थे. ये लोग लॉर्ड को जब किंग लॉर्ड को जमीन का हिस्सा दे देता था तो अब लॉर्ड अपनी जमीन पे क्या करता था ये अपनी जमीन पे फुल ऑटोनॉमी के साथ अपना एडमिनिस्ट्रेशन चला सकता था. एडमिनिस्ट्रेशन ट्रूप्स रख सकती थी अपना अपनी आर्मी अपना फोर्ट बनवा सकता था फोर्टिफिकेशन कर सकता था अपना क्वाइंस चला सकता था. एंड देन आफ्टर ही स्टार्टेड देयर कोर्ट आल्सो. कोर्ट क्वाइंस फोर्टिफिकेशन फोर्टिफिकेशन. अब आप इन चीजों के आधार पर सोचिए. आई मीन टू से दैट वंस द लॉर्ड हैड obtained the that land which was given by the Indian king, Lord uses the a lot of privileges in their area. That was administration according to his own way. He can control their whole area without any hesitation, without any hindrance. Second things, he can have the smart troops, army. He also fortified their manorial state. Yeah, manners, and he can launch the coins, and then after the court. It means, इनका अपना क्या था? इनके अपने पास इनके अपने court भी थे, अपना न्यायालय, जहाँ पे ये justice करते थे. तो इनके आधार पे अगर आप देखें, तो nobles क्या हुआ? Nobles अपने छोटे क्षेत्र का शासक हुआ, राजा हुआ, जो पूरी व्यवस्था को अपने हाथ में लेकर के रन करा रहा है. तो इसके आधार पे आप इन चीजों को भली भांति समझ सकते हैं. यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द ऑल थिंग्स व्हाट आई एम टेलिंग. आई होप यू कैन गेट इट. आप इन चीजों को समझ सकते हैं. तो इसके आधार पे अभी आगे कहता है कि नोबेल ही वाज द लॉर्ड ऑफ ऑल द पीपल सेटल्ड ऑन हिज लैंड. He owned vast tract of the land which contained his own dwelling, his private field and pasture and their homes and fields of his tenant, peasants. His house was called manor. His private land were cultivated by peasants who were also expected to act
द फुट सोल्डर्स इन द बैटल व्हेन रिक्वायर्ड इन द एडिशन टू वर्किंग ऑन देयर ओन फार्म्स. माय डियर स्टूडेंट, हियर इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गिवन बाय ऑथर. दैट लैंड, आई मीन टू से दैट द मेरिटल स्टेट, इन दैट स्टेट्स द पीजेंट्स हु लिव्ड, दे वर इन द कंट्रोल ऑफ देयर मैनर. अपने लॉर्ड के, अपने जो नोबल्स थे उनके अंडर में ये लोग काम करते थे. वेन द मैनर नीड्स आर्मी द मेंबर ऑफ प्रेजेंट फैमिली दे हैव टू प्रोवाइड देयर सर्विस फॉर दैट. सेना के रूप में भी इन्हें अपनी सेवा देनी पड़ती थी. किसान के रूप में वो काम करते थे, लेकिन जब जरूरत पड़ती थी तो यही पीजेंट्स जो इनके साथ थे वो अपनी सेवाएं उनको अपने लॉर्ड के लिए एक सैनिक के रूप में भी देनी पड़ती थी. लैंड वाज द पीपल सेटल्ड ऑन हिज लैंड ओन द वास्ट ट्रैक्ट ऑफ द लैंड विच लैंड ही ओन वास्ट ट्रैक्ट ऑफ आई मीन टू से जो जमीन थी वो अपनी भूमि पर बसे हुए सभी व्यक्तियों के मालिक थे. वे विस्तृत क्षेत्रों के स्वामी थे जिसमें उनके घर, उनके निजी खेत, जोत व चरागाह, उनके आसामी कृषक जो टेनेंट पीजेंट्स थे का घर और खेत होते थे. मतलब उनकी जमीन में जो भी चीजें होती थी उन सब के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से मास्टर कौन था, इन नोबल्स ही होते थे. अब यहां पे इन चीजों के साथ आपको समझना पड़ेगा कि ये जो पूरे जमीन है, पूरा एरिया है, जो लैंड पार्ट है, इसके पास रहने वाले सभी लोग उसके हिस्से थे. जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, बट आई इन्फॉर्म यू दैट द पीजेंट्स हु लिव्ड इन दैट एरिया, हु डिवाइड देयर फील्ड्स, हु प्रोवाइडेड देयर सर्विसेज इन देयर लैंड एज ए पीजेंट्स, दे हैव टू गिवन देयर सर्विसेज एज ए आर्मी व्हेन देयर नोबल्स नीडेड. तो इस तरीके से पूरी व्यवस्था चल रही थी. वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास आल्सो. आज के लिए इतना ही. गुड बाय and take care.